विधाय हृदि विशेषं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुबोधाय क्रियते सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धि ज्ञानम। सभी व्यवहार के प्रति कारण जो गुण है उसी को बुद्धि कहते हैं, उसी बुद्धि का दूसरा नाम ज्ञान है। ज्ञान और बुद्धि दोनों पर्याय वाले शब्द है। हम लोग समझते हैं बुद्धि में ज्ञान है, समझ में आया? तो ऐसी बात, बुद्धि ही ज्ञान है और ज्ञान कहाँ है? तो कहें ना, ये व्यक्ति जो बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान मतलब क्या है? ज्ञानी है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है की बात है ना। तो जो ज्ञानवान है वही बुद्धिमान है। ज्ञान और बुद्धि दोनों पर्याय वाले शब्द है। तो बुद्धि रे मनीषा धीषणा भी प्रज्ञा से मुशी मति ही और हाँ, इतने बुद्धि के नाम है, समझ में आया? तो ये सब ज्ञान के नाम है, सारे पर्याय वाले शब्द हैं। इसलिए बुद्धि को ही ज्ञान कहते हैं, इसलिए उनका बुद्धिर ज्ञानम और साधुविदा। वो बुद्धि ज्ञान दो प्रकार का है, स्मृति ही अनुभवश्च। तो सर्व व्यवहार हेतुर्गुण, सारे व्यवहार के प्रति, सभी प्रकार के व्यवहार। व्यवहार तो एक हो गया शब्द प्रयोग है, यानी व्यवहार होता है, व्यवहार हो नाम शब्द प्रयोग है। तो शब्द का प्रयोग कोई व्यक्ति कब करता है? अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना, अर्थम बुद्ध्वा, जब हम किसी का अर्थ जानते हैं तब ना हम शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हम अर्थ जानते हैं, मैं कुछ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इन शब्दों का अर्थ जानता हूँ, इसलिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। यदि मुझे ज्ञान नहीं होगा तो मैं उसका प्रयोग नहीं कर सकता। तो बिना ज्ञान के शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। तो सारे जो व्यवहार है शब्द प्रयोग, हमारा सारा व्यवहार तो शब्द प्रयोग है। तो शब्द प्रयोग रूप सारे व्यवहार के प्रति कारण कौन है? ज्ञान है, समझ में आया? और व्यवहार शब्द से अन्य व्यवहार भी ले सकते हैं, आदान प्रदान भी व्यवहार है, लेना देना हम लोग जो है ना लेते हैं देते हैं, तो ये भी व्यवहार है। तो इस प्रकार के व्यवहार के प्रति कौन कहना चाहिए? ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के ये सब व्यवहार, अन्य व्यवहार भी, तो सभी प्रकार के व्यवहार अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना, अर्थों को जान करके शब्द के, तो जान करके पहले ज्ञान होता है तब जाकर हम उसका शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सारे प्रकार के व्यवहार, शब्द प्रयोग रूप व्यवहार हो चाहे अन्य आदान प्रदान आदि जो व्यवहार हो, उन सारे व्यवहार के प्रति कारण ज्ञान है और वो गुण है। तो सर्व व्यवहार हेतुत्व सति गुणत्वम ज्ञानस्य लक्षणम बुद्धेः लक्षणम। और वो जो ज्ञान है दो प्रकार का है, बुद्धिर द्विविधा स्मृति ही अनुभवश्च। एक स्मरणात्मक ज्ञान होता है, एक अनुभवात्मक ज्ञान होता है, उसका लक्षण बाद में बताएंगे, ठीक? बुद्धि लक्षणम आह सर्वेति, हाँ, सर्वे ए व्यवहाराः आहार विहारादय तेषां हेतु बुद्धिरित्यर्थः। सारे जो व्यवहार, इन्होंने आहार विहार लिया है ना, भोजन करते हैं, घूमते हैं, वो सब व्यवहार है, शब्द प्रयोग है, सब उसमें आ जाएगा। उन सब के प्रति कारण जो है वो बुद्धि है। दंडादि वारणाय सर्व व्यवहारेति, सर्व व्यवहार हटा दो क्या बचेगा? हेतुर्गुण इतने कहेगा, हेतुर्गुण हेतुत्तम गुण से लक्षण। तो दंड भी हेतु है कि नहीं? घाट बनाने के दंड हेतु है, ठीक। कालादि वारणाय असाधारणित्यपि देयम्। ये मालूम है, केवल सर्व व्यवहार हेतु कहेंगे तो काल भी सर्व व्यवहार हेतु है, काल भी, काल सबका हेतु है, तो सर्व व्यवहार के प्रति काल भी कारण हो जाएगा, काल सबका कारण है, इसे असाधारणम कारणम कहना चाहिए। बुद्धे सांख्या विमत द्रव्यत्व निरसनाय गुणयति, हाँ, का गुण क्यों दिया? अब असाधारणम कारणम कहने से काम चल जाएगा ना, काल आदि में लक्षण जाएगा नहीं, तो गुणपद देने की आवश्यकता क्यों है? तो कहते हैं गुणपद देने की वस्तुतः आवश्यकता नहीं है, फिर भी कुछ उसका विशेष प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? गुणपद हम ये बताना चाहते हैं विद्यार्थी को कि हम जो बुद्धि पढ़ रहे हैं वो गुण है। वो क्या है? कोई सांख्य शास्त्र पढ़कर आया जाए न्याय पढ़ने के लिए, तो सांख्य के दृष्टि में बुद्धि क्या है? द्रव्य है, और बुद्धि का धर्म ज्ञान है। अतः सांख्यिक संस्कार के द्वारा कारण कोई बुद्धि को द्रव्य न मान ले, इसलिए उसने गुणपद दे दिया। तो गुणपद देने से पता चलेगा न्याय के दृष्टि में बुद्धि द्रव्य नहीं है, गुण है, ठीक। बुद्धे ही सांख्याभिमत द्रव्यत्व निरसनाय गुणयति, हाँ,
संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। अब बुद्धि से सारा शुरू होना है, पूरा बहुत दूर तक जाएगा, इसलिए अच्छे से पकड़ते रहना है। तो बुद्धि का लक्षण बना दिया, सामान्य बुद्धि का लक्षण हो गया। अब बुद्धि के भेद बताया, दो प्रकार की बुद्धि है, कौन? स्मृति और अनुभव। तो अब लक्षण बना रहे हैं स्मृति का, तो स्मृति का लक्षण बना रहे हैं संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं। स्मृति स्मरण, स्मरण कब होता है, कैसे होता है? तो प्रयाग में जब कुंभ में कोई व्यक्ति गया है, समझे, तो उसको कहेंगे देखो प्रयाग में क्या क्या देखा तुम कुंभ में, तो गया है तो बताएगा ना ये देखा करके, जो गया ही नहीं वो बताएगा नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि स्मरण होने के लिए अनुभव होना जरूरी है। तो जो पहला ज्ञान होता है ना, प्रथम इंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान करते हैं, वो अनुभव है। तो वो अनुभव जो कहाँ उत्पन्न हुआ, कहाँ उत्पन्न होगा? आत्मा में। ज्ञान सब आत्मा में उत्पन्न होता है, तो अनुभव भी ज्ञान ही है। तो अनुभव कहाँ उत्पन्न हुआ? आत्मा में उत्पन्न हुआ। जो ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है वो कितने देर तक रहता है? तृतीय क्षण में उसका नाश हो जाता है। प्रथम क्षण में ज्ञान उत्पन्न होगा, दूसरे क्षण में ज्ञान रहेगा, तीसरे क्षण में ज्ञान का नाश हो जाता है। वो ज्ञान एकदम जल्दी नाश हो जाता है, फटाफट फटाफट उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है जल्दी जल्दी। समझ में आई बात? अब प्रश्न आया कि जब अनुभव नष्ट हो गया फिर बाद में याद कैसे आता है? जब ज्ञान तो नष्ट हो गया तो भूल जाना चाहिए ना सब कुछ। तो वो ज्ञान नाश होने से पहले, अनुभव अपने नाश से पूर्व में आत्मा में संस्कार को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? संस्कार को उत्पन्न करता है। वो संस्कार लंबे समय तक आत्मा में रहता है, संस्कार वो जन्मांतर तक भी रह सकता है। वो कहा था ना कितना रखना है, सतेन गुणिता विद्या सहस्रीण तिष्ठति सतानंद सहस्रीण। तो संस्कार कितना दृढ़ है उसके आधार पर कहाँ तक जा सकता है, जन्मांतर तक भी जा सकता है। वो कमज़ोर हो जाएगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और मौजूद होगा तो लंबा रहेगा। समझ में बात? तो अनुभव ने क्या किया, आत्मा में संस्कार को उत्पन्न किया। तो पहले हुआ अनुभव, अनुभव से संस्कार उत्पन्न हुआ। वो संस्कार सोया रहता है, संस्कार सुप्त है, सुप्त है, सोया है वो। जब उसको हम जगाते हैं, जब उद्बुद्ध हो जाएगा, कोई उद्बोधक चाहिए जगाने वाला, कोई उद्बोधक के बल पर संस्कार जब उद्बुद्ध होगा तो वो संस्कार क्या कर देता है, स्मरण को उत्पन्न करा देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से तो आपके संस्कार तो था ही ना, तो पहले क्यों याद नहीं आ रहा था कुंभ के बारे में? उद्बोधक नहीं था, हमने बातचीत किया तो संस्कार जग गया, सोया था, उद्बुद्ध हुआ, तो होने के बाद उसने याद दिला दिया। बात समझ आया? सादृश्या दृष्ट चिंताद्या स्मृति बीजस्य बोधका। तो हुआ क्या, सबसे पहले क्या हुआ, अनुभव हुआ। अनुभव क्या कर देता है, वो अनुभव प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में रहता है, तृतीय क्षण में अनुभव का नाश हो जाता है। नाश होने से पहले अनुभव क्या करता है, संस्कार को उत्पन्न करता है, जो कि लंबे समय तक सुप्त अवस्था में रहता है। जब संस्कार उद्बुद्ध होगा तो स्मृति को उत्पन्न करता है। तो स्मृति के प्रति कौन कारण हुआ, संस्कार कारण हुआ। अतः संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। समझे? हाँ पढ़ो। संस्कार ध्वंसी अति व्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति। अब पदकृति करो, संस्कार मात्र जन्यत्व स्थिति ज्ञानत्वम स्मृते लक्षणम। ठीक, तो ज्ञानत्वम घटा दो, संस्कार मात्र जन्यत्वम। संस्कार मात्र से जन्य जिस प्रकार, उसी प्रकार संस्कार का ध्वंस भी होता है। संस्कार का ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है, ध्वंस के लिए। जैसे मान लो यहाँ घट रखा है और हमें एक डंडे से मारा, घट का नाश हुआ, तो घट के नाश के प्रति कौन कारण है, कौन कारण है? डंडा, डंडे से मारा, घट फूट गया, घट का नाश हुआ, तो घट का जो ध्वंस हुआ, नाश हुआ, उसके प्रति कौन कारण है? दंड कारण है। और घाट कारण है कि नहीं? यदि ऐसे डंडा मारेंगे तो जमीन पर घाट टूटेगा? घाट को टूटने के लिए क्या चाहिए, डंडे से घाट को मारना पड़ेगा ना। घाट लाओ तब मारो, तब घाट फूटेगा कि ऐसे घाट फूट जाएगा, डंडा मारते रहो घाट फूट जाएगा? घाट भी कारण है ना। तो ध्वंस के लिए प्रतियोगी भी कारण होता है। तो अभी हमारे आत्मा में संस्कार है, संस्कार एक दिन नष्ट हो जाएगा, लंबे रहेगा, इसका मतलब नित्य समय हमेशा रहेगा नहीं,
तो संस्कार का नाश हो जाता है। तो जब संस्कार का नाश होगा उसके प्रति और भी कुछ कारण हो सकते हैं, किंतु संस्कार भी कारण होगा। समझ आई बात? तो संस्कार मात्र जन्य तो कहाँ चला जाएगा, संस्कार के ध्वंस में चला गया। संस्कार का ध्वंस भी संस्कार से जन्य है, संस्कार का ध्वंस भी घट का ध्वंस घट से जन्य है, घट ध्वंस के प्रति घट कारण है, संस्कार के ध्वंस के प्रति संस्कार भी कारण है। तो संस्कार जन्य तो कहाँ चला जाएगा, संस्कार के ध्वंस में चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति होगी। तो संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ज्ञान पद देना चाहिए, संस्कार जन्यत्व से ज्ञानत्वम, तो ध्वंस ज्ञान नहीं है। ठीक, हाँ। संस्कार ध्वंस अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति, अनुभवे अतिव्याप्ति वारणाय संस्कार जन्यमिति। संस्कार जन्य, अब ये इतना मान करके पदकृत्य करें कि लक्षण इतना ही, संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, अभी मात्र पद उसमें है नहीं, वो बाद में देंगे उस पर। संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार से जन्य ज्ञान स्मृति है, तो इतना ही लक्षण बनाओ, संस्कार जन्यत्व से ज्ञानत्वम, इतना ही पदकृत्य करना है। तो केवल संस्कार जन्यत्वम कहेंगे संस्कार ध्वंस में चला जाएगा, इसलिए ज्ञान पद देना चाहिए। केवल ज्ञानत्वम कहेंगे तो अनुभव भी ज्ञान है, तो लक्षण स्मृति का है, अनुभव में चला जाएगा, इसलिए संस्कार जन्य मात्रा भी छोड़ो, इसलिए संस्कार जन्यत्वम कहना चाहिए, इसलिए संस्कार जन्यत्वम कहना चाहिए। तो जो अनुभव है वो संस्कार से जन्य, इसलिए उसमें लक्षण नहीं जाएगा। बात समझ में आई? तो अभी लक्षण क्या बन गया, संस्कार जन्यत्व से ज्ञानत्व बन गया। अब कहते हैं ऐसा लक्षण बनाने पर भी प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति होगी, कहाँ दिया होगी, पढ़ो उसमें लिखा है। अनुभवे अतिव्याप्ति वारणाय संस्कार जन्यमिति, तथापि प्रत्यभिज्ञायां अतिव्याप्ति वारणाय संस्कार मात्र जन्यत्वं विवक्षणीयम्। विवक्षणीयम् मतलब विवक्षित नहीं है, उनके पास जो पुस्तक था मूल में उसमें मात्रपद नहीं था, इसलिए वो उसी हिसाब से पदकृत कहते, वो बोलते मात्रपद देना चाहिए। संस्कार जन्यत्व से ज्ञानत्व इतना लक्षण बनाएंगे तो ये लक्षण चला जाएगा प्रत्यभिज्ञा में, समझे? अब प्रश्न आ गया, प्रत्यभिज्ञा कौन सी चिड़िया का नाम है, समझे? तब ना अतिव्याप्ति समझ में आई। तो प्रत्यभिज्ञा बोलते हैं तत्ते दंता वगाहि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा, तत्ता और इदंता, तत्ता और इदंता हो गया तत्ते दंता, समझ में आया? उसको अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जिसमें तत् का भी प्रयोग हो, इदम का भी प्रयोग हो। सोयम देवदत्तः, सोयम अश्वः, जो कल हमने घोड़े को देखा था और आज हमने दोबारा उसी को देखा, तो हम कहेंगे सोयम अश्वः, ये वही घोड़ा है जो हमने कल देखा था। तो सह अयम अश्वः, सह हम प्रयोग कब करते हैं, सह अश्व जो दूर में, दूर के लिए है ना, पता नहीं कब है, कहाँ है, दूर में वह ऐसा समय के लिए होता है, तो तत्शब्द का प्रयोग हुआ है परोक्ष के लिए, ठीक है। और अयम अश्व, ये सामने वाला अयम हमारे सामने है, उसमें इदम शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो तत् शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, कोई वस्तु दूर में है, परोक्ष में है। इदम शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, सन्निकृष्ट में, जो सामने है। लेकिन यहाँ पर दोनों का प्रयोग हो रहा है, स्वयं अश्व, तो जो सह है वो अयम नहीं हो सकता, जो अयम होगा वो सह कैसे होगा, जो यह है वो वह कैसे होगा, और जो वह है वो यह कैसे होगा, समझे? लेकिन यहाँ दोनों है, यह वही घोड़ा है जो वह था, कल हमने देखा था, स्वयं अश्व, समझ में आई बात? तो यह स्वयं अश्व ज्ञान कब होता है, तब होता है जब हमने कल देखा हो, तो उसका ज्ञान हुआ तब, उसका संस्कार आत्मा में बैठा, ठीक। फिर हमने आज उसी घोड़े को देखा, फिर वो संस्कार कल का उद्बुद्ध याद भी आया, संस्कार उद्बुद्ध हुआ, फिर हमको कल का भी याद आया, वो कल का ही घोड़ा यही है, समझ में आया? तो इंद्रिय सन्निकर्ष से भी चाहिए अयम स्वयं अश्व ज्ञान होने के लिए, आँख से देखा, चक्षु सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान है, अनुभव भी है, समझ आया किंचित अंश में। और इस ज्ञान के लिए पुराना संस्कार भी चाहिए, यदि आज देखा पुराना कल का भूल गया तो अयम अश्व इतना ही बोलेगा, ये घोड़ा है स्वयं अश्व, ये वही घोड़ा ऐसा बोलेगा नहीं बोलेगा, ठीक। तो स्वयं अश्व ये ज्ञान प्रतिभिज्ञा है, क्या है, प्रतिभिज्ञा। संस्कार और इंद्रिय सन्निकर्ष दोनों के सहयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको हम प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, समझ में आया? तो ये जो प्रत्यभिज्ञा है ये संस्कार से जन्य है कि नहीं, संस्कार इसके प्रति कारण है कि नहीं, बिना संस्कार के तो प्रत्यभिज्ञा होगी नहीं, और ये ज्ञान है कि नहीं, तो संस्कार जन्यत्व से ज्ञानत्वम, ये लक्षण किसका है, कहाँ चला गया, इसलिए मात्र पद दिया, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार मात्र से जन्य जो ज्ञान है उसको स्मृति कहते हैं।
ये जो प्रतिविज्ञा है वो संस्कार मात्र जन्य है, उसका संस्कार भी चाहिए और इंद्रिय सन्निकर्ष भी चाहिए। बिना इंद्रिय के स्वयं अस्वय ज्ञान नहीं हो सकता, अतः संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम जब मात्र पद दे देंगे तो प्रतिविज्ञा में लक्षण नहीं जाएगा तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो लक्षण बन गया संस्कार मात्र जन्यत्वेति ज्ञानत्वम् स्मृतया लक्षणम्। समझे, प्रतिविज्ञा अतिव्याप्ति हुई, उस अतिव्याप्ति का वारण करने हमने उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हमने मात्रपद दिया हुआ, तो संस्कार मात्र जन्यत्वेति ज्ञानत्वम्। अब प्रतिविज्ञा में लक्षण ये तो ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर ये प्रश्न बनेगा कि ये लक्षण आप कहाँ जाना चाहिए, स्मृति में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? चाहिए। स्मृति संस्कार मात्र से जन्य है, ये प्रश्न है। तो कहते हैं नहीं, स्मृति संस्कार मात्र से जन्य नहीं। संस्कार मात्र जन्य का अर्थ होता है संस्कार से जन्य हो और संस्कार से इतर से अजन्य हो, यानी इतर व्यावृत्ति ने मात्र पद का अर्थ होता है। हमने पहले कहा चक्षु मात्र ग्राह्य, चक्षु से ग्राह्य हो अन्य से अग्राह्य हो, समझ में आया? तो संस्कार मात्र जन्य का अर्थ हुआ संस्कार जिसके प्रति कारण हो अन्य कोई कारण न हो। ऐसा संभव है क्या? केवल संस्कार के बल पर स्मृति उत्पन्न हो जाएगी? स्मृति उत्पन्न होने के लिए संस्कार चाहिए, साथ में और भी बहुत कुछ चाहिए, यही संस्कार के जो उद्बोधक चाहिए। तो संस्कार को स्मृति को उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए? उद्बोधक भी चाहिए, सादृश्य चाहिए, अदृष्ट चाहिए, चिंतादि चाहिए, मतलब उद्बोधक चाहिए, आत्मा चाहिए। बिना आत्मा की स्मृति होगी? आत्मा और मन का संयोग चाहिए, काल चाहिए, ईश्वर चाहिए, ये सब बहुत से कारण है ना। कोई भी एक चीज़ से कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता, कारण का समूह से कार्य की उत्पत्ति होती है। आप कहोगे संस्कार मात्र जन्य में ज्ञानम, तो संस्कार मात्र से जन्य कोई भी ज्ञान दुनिया में है ही नहीं, तो स्मृति में लक्षण जाएगा तो असंभव हो जाएगा। मात्र पद दे देंगे तो असंभव होगा, समझे? तो क्या हुआ? स्मृति में लक्षण नहीं गया, असंभव हो गया। असंभव हुआ तो उसके लिए क्या करेंगे? कहेंगे वो मात्र पद जो है हम व्यावृत्ति के लिए तो लाए हैं, लेकिन सब कुछ की व्यावृत्ति के लिए नहीं लाए हैं। जो उपयोगी है उसको रखना है, जो अनुपयोगी उसकी व्यावृत्ति करनी है। बहिरिंद्रियाजन्यत्वम कहना है, क्या कहना है? हाँ, तो मात्र पद से केवल बहिरिंद्रिय की व्यावृत्ति हमको करनी है, तो बहिरिंद्रियाजन्यत्व सति ऐसा अर्थ करेंगे। तो बहिरिंद्रिय लक्षण बनेगा बहिरिंद्रियाजन्यत्व सति संस्कार जन्यत्व सति ज्ञानत्वम स्मृति लक्षणम, ऐसा लक्षण बनेगा। समझ में आया? अब जो स्मृति है वो बहिरिंद्रिय से जन्य है, उसके लिए बहिरिंद्रिय के कारण था, अनुभव के लिए बहिरिंद्रिय के कारण था है, स्मरण करने के लिए बहिरिंद्रिय के कोई कारण था नहीं है, तो बहिरिंद्रिय से अजन्य हुआ। और संस्कार से जन्य है कि नहीं? संस्कार चाहिए, बिना संस्कार से स्मृति की उत्पत्ति, संस्कार से जन्य है और ज्ञान भी है, तो तीनों दल चला जाएगा तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। अब सुनो, अब जो प्रतिविज्ञा है वो बहिरिंद्र से जन्य है कि नहीं? बहिरिंद्र के बिना प्रतिविज्ञा की उत्पत्ति आंख से देख करण कहेंगे आई एम स्वयं अश्वः, तो प्रतिविज्ञा के लिए बहिरिंद्र भी कारण है, संसार भी कारण है, किंतु वो बहिरिंद्र से जन्य हुआ अजन्य, इसलिए प्रतिविज्ञा में लक्षण नहीं जाएगा, तदव्याप्ति नहीं होगी। तो लक्षण बन गया बहिरिंद्रियाजन्यत्व से संस्कार जन्यत्व से ज्ञानत्वम, हो गया लक्षण बन गया। अब पदकृत्य करो, बहिरिंद्रियाजन्य तो हटा दो, संस्कार जन्यत्व से ज्ञानत्वम कहेंगे तो क्या होगा? प्रतिविज्ञा में लक्षण चला जाएगा। ज्ञानत्वम हटा दो, बहिरिंद्रियाजन्यत्व से संस्कार जन्यत्वम कहो, संस्कार ध्वंस में चला जाएगा। समझे, अब संस्कार जन्यत्वम हटा दो, बहिरिंद्रियाजन्यत्व से ज्ञानत्वम, तो इतने बना दो लक्षण। बहिरिंद्र से अजन्य जो ज्ञान है ईश्वर का ज्ञान है, नित्य जो ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान जन्य नहीं होता कहीं से भी, वो बहिरिंद्र से अजन्य है। ईश्वर तक जाना नहीं है तो अनुमिति ले लो, हमको अनुमिति होती है ना, पर्वत धूम को देखकर बनने की अनुमिति होती नहीं होती है, वो स्मृति है नहीं है, वो बहिरिंद्र से अजन्य है, वो तो व्याप्ति आदि चाहिए उसके लिए, तो बहिरिंद्र से अजन्य ज्ञान कौन हो जाएगा? अनुमिति उपमिति सावधबोध हो जाएंगे, तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए संस्कार जन्यत्वम कहना चाहिए, तो अनुमिति आदि संस्कार से जन्य नहीं है, तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा। ठीक, चलो। प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाय संस्कार मात्र जन्यत्वम विवक्षणीयम् क्वचित तथैव पाठः, क्वचित तथैव पाठः, उनको कोई पुस्तक ऐसा भी मिला जिसमें मात्र पहले से था, इसलिए उन्होंने दोनों लिख दिया, समझे? हाँ, न चैवं सति असंभवः, न चैवं सति असंभवः,
है ना, एक एक इधर से निकले, एक कुएं से गिरे और खाई में अधिव्याप्ति हो रही थी। प्रतिविज्ञा में अधिव्याप्ति वारण करने के लिए हमने मात्र पद दे दिया, प्यास लगी थी जहर पी लिया, असंभव हो जाएगा ना। अब तो संस्कार मात्र जन कुछ है ही नहीं, असंभव। तस्य संस्कार जन्यत्वे सति इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यार्थकत्वा। हाँ, इन्होंने वही शब्द लिया, इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्वम लेना चाहिए। उसका अच्छा जो विकल्प है वो उसको बहिरिंद्रिया जन्यत्वम कहना चाहिए, समझे। तो उसे वो लंबा शब्द होगा तो छोटा शब्द का हम प्रयोग करेंगे, बहिरिंद्रिया जन्यत्वे सति। तो बहिरिंद्रिया जन्यत्व उसका अर्थ है, मातृपद का अर्थ क्या है, बहिरिंद्रिया जन्यत्वम। ठीक, तो लक्षण बनेगा बहिरिंद्रिया जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम, हो गया। ओम गुणमदः गुणमे ओम शांति।